वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दूसरी लहर का अंत करीब, परब का अवैध निर्माण टूटेगा, रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब समाप्ति के करीब है, लोगों में भी कोरोना वायरस की दहशत अब समाप्त हो चुकी है। रविवार को जीएमसी में एक भी कोरोना का रोगी दाखिल नहीं हुआ है। वहीं जिले में कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव 20 रोगी पाए गए हैं, लेकिन वे होम क्वारंटाइन में उपचार करवा रहे हैं। राहत देने वाली बात यह है कि इन रोगियों की स्थिति काफी अच्छी है। उल्लेखनीय है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब स्थिति काफी बिगड़ गई थी। सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध नहीं थे। लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था। अब स्थिति काफी संतोषजनक है। पिछले सप्ताह तो एक्टिव रोगियों की संख्या 11 पर थी, फिर भी लोगों के मन में कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर काफी सवाल है। इसी तरह सभी लोग यह भी चाहते हैं कि हम इस तरह कदम उठाएं कि तीसरी लहर से लोगों को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अति करीबी मिलिंद नार्वेकर ने अवैध बंगले पर बुलडोजर चलाने के बाद अब परिवहन मंत्री अनिल परब के बांद्रा स्थित अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाना निश्चित हो गया है। भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सौम्या के मुताबिक लोकायुक्त ने परम के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई गांधी जयंती को शुरू की जानी थी। भाजपा नेतृत्व एवं पूर्व सांसद किरीट सौम्या ने रविवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि परब के बांद्रा स्थित अवैध कार्यालय को तोड़ने का आदेश वर्ष 2019 में ही दे दिया गया था। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी रविवार को 2 दिवसीय दौर पर अपनी मां के साथ संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और पदाधिकारियों संग बैठक करेंगी। इससे पहले रायबरेली के रास्ते में लखनऊ रायबरेली बॉर्डर पर प्रियंका गांधी चुरवा हनुमान मंदिर में माथा टेका और पुजारी से आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरे पर सबसे पहले बछरावा लखनऊ बॉर्डर पर स्थित चुरवा हनुमान मंदिर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।